हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा ब्लॉग का नाम है सुगी ब्लॉग। फ्रेंड, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। अभी सुबह के 9 हो रहे हैं और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और फ्रेंड, इधर ना 2 दिन से बहुत बारिश हो रहा है। इतना बारिश हो रहा है कि घर से निकलना मुश्किल है। उधर मेरी छोटी बेटी स्नेहा का भी तबीयत पूरा ख़राब था, इसीलिए मैं कल का ब्लॉग नहीं बना सकी। और आज इतना अच्छा मौसम किया हुआ है, कल सुबह 4 बजे से लेकर रात तक पानी बहुत गिरा है, बहुत बारिश हुआ है इधर। और आज मौसम पूरा फ्रेश फ्रेश है, इतना फ्रेश है कि जिसका कहना नहीं है। आज बहुत अच्छा लगेगा, लग रहा है फ्रेश। सुबह आज मम्मी और मम्मी चली गई है धान खेत में और मैं जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड, कितना मौसम फ्रेश किया हुआ है, आसमान पूरा नीला से, बहुत ही अच्छा फ्रेश मौसम किया हुआ है। आज सुबह से बारिश नहीं हुई है, चलते हैं धान खेत में। फिर हमारा घर ना पुराना घर बस्ती में है, उधर है बस्ती, उधर उस साइड में बस्ती है, करीब 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और उधर ही हमारा सारा खेत है, फसल है। अभी हम उधर ही जाएंगे, ये मेन रोड है और इधर ही से हम लोग को जाना है। देखिए इधर मंदिर है, ठीक हमारे घर के सामने मंदिर है। और ये रास्ता है, यहाँ से हमें 1 किलोमीटर दूर जाना होगा। कुछ लोग यहाँ विजिट करने आए हुए हैं, घर के सामने जगह खाली। हमें उधर जाना है, उस साइड में। देखिए मौसम कितना फ्रेश किया हुआ है, बादल किया हुआ है, लेकिन कल 2 दिन फ्रेंड, अब चलते हैं और देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। देखिए ये वो रोड है और इसी रोड पे हमें चलते जाना है। देखिए बारिश की वजह से ये खेत में नदी बन चुका है। और ये जंगल है, जंगल को लगाया गया है। देखते हैं मम्मी खेत में क्या कर रही है, और अगर धान निकाल रही होगी तो हम मिलजुल के धान निकाल देंगे, धान निकाल के निकालेंगे। सारा घास बहुत सारा हो चुका है धान में, धान लगाने के समय में बारिश नहीं हुआ था फ्रेंड, और अब लास्ट टाइम में हो रहा है। उस समय पानी पटा पटा के सब खेत में धान लगाए हैं। देखिए ये देखिए धान, सब धान लगाए थे और अब धान तैयार होने लगा है, फूटने लगा है सब, और काफ़ी अच्छा फसल इस समय होने लगा। लास्ट समय में बारिश हुआ लेकिन बहुत राहत मिल गया खेती को, फसल को। देखिए फ्रेंड, उधर है ना वो जो देख रहे हैं, वहाँ पे फैक्ट्री है जहाँ सीमेंट से पोल बनाया जाता है, बिजली पोल। ये पूरा फैक्ट्री है, देखिए ये हमारा धान है। तो देखिए कितना सुहाना लग रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। ये रोड के किनारे है, देखिए ये रोड है और ये रोड के किनारे पूरा हरियाली हरियाली। देखिए पूरा हरियाली है, और वहाँ मेरी मम्मी काम कर रही है, खेत में है, वहाँ हमें जाना है, जहाँ मम्मी है ना वहाँ वहाँ जाना है हमें।
पहले हम पहुंच चुके हैं जहां मम्मी है। देखिए मम्मी दिख रही होगी, मम्मी घास चुन रही है, फसल देखने आई है अपने। उन्हें कनस निकल भी गए, उबर का आलो लो बता दें तो आलो लो ले बोल दिन के थोड़ी देर के बाद जीबे। हाँ तोरा देखे ला लियो, आओ ये वह आ लियो, लेकिन वो भाभी लगती है फ्रेंड, वो मजाक उड़ा रही है। और देखिए धान कितना बढ़िया फूट गया है, तैयार हो चुका है, काफी हद तक तैयार हो गया है। ये देखिए और ये महुआ का पेड़ है, हम जब छोटा हुआ करते थे ना तब यहाँ खेला करते थे। देखिए फ्रेंड उधर वो जो घर दिख रहा है ना, दिख रहा है हाँ, वो वहाँ पे जो दिख रहा है वहीं पे हमारा पुराना घर है। ये मेरी चाची आ रही, वही हमारा पुराना घर है, चलेंगे उधर भी। बकरी खुटे लेके चरावे ले, और ये मेरी छोटी चाची है फ्रेंड। चल बड़ी प्रॉब्लम है, दोपहर का समय हो चुका है और दोपहर का बज रहे हैं 2:30, और 2 दिन से बारिश हो रही थी ना तो गेहूं नहीं धोए थे, तो आज धोए हैं। देखिए गेहूं, घर का गेहूं, धूप किया हुआ है, दो तीन दिन के बाद लगातार पानी गिर रहा है, की वजह से धूप नहीं देखने मिला था, आज देखने मिल रहा है, धूप निकला हुआ है। तो मम्मी बोली गेहूं धो के डाल दो, तो डाल दिए हैं गेहूं धो के। चलिए देखते हैं सूखता है कि नहीं। फिर से छाया कर दिया, बादल फिर से बन रहा है दोस्तों, पता नहीं बारिश होगा क्या होगा, गेहूं लगता नहीं सूख पाएगा आज, देखते हैं कब तक सूखता है, आज सूखेगा कि कल सूखेगा, कैसे कह सकते हैं। फ्रेंड हम तो सोचे थे गेहूं सूख जाएगा, लेकिन भगवान जी को मंजूर नहीं था, बारिश आ गया, पूरा मौसम खराब कर दिया, उठाना पड़ गया। देखिए गेहूं उठा दिए हैं फ्रेंड, अभी शाम हो चुका है और शाम के बज रहे हैं 5, और मेरी मंगली मौसी आई हुई थी, डोमचाच साइड में रहती हैं, पचगावा डोमचाच में पचगावा नाम का जगह है वहाँ रहती हैं, वो आई हुई थी और वो हमारे लिए खुकड़ी लाई है। खुकड़ी हमारे झारखंड भाषा में खुकड़ी बोला जाता है, और इसे कई जगह में मशरूम बोलते हैं, मशरूम ही है ये, मशरूम है लेकिन खुकड़ी बोलते हैं। और आपके तरफ क्या बोला जाता है आप कमेंट करिएगा। अभी मैं इसको हर किनारे हो जाओ, किराना हो जाओ बेटा, मैं इसे फूलने के लिए दे दी हूँ, मिट्टी में मिट्टी है पूरा, तो पानी में फूलने दे दी हूँ, उसके बाद इसको वॉश करेंगे अच्छा से साफ करेंगे। ये कई तरह की खुकड़ी इसे मिला हुआ है, इसको अच्छे से वाश कर लेते हैं।
देखिए कितना मिट्टी है इसमें, इस मिट्टी को सब निकालना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, कई तरह का खोखला इसमें मिला हुआ है। ये देखिए ऐसा भी है, इस कलर का भी है, पता नहीं सबको क्या बोलते हैं, हमको उतना जानकारी नहीं है। चलिए इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं फिर।